शर्म नहीं आती है? अच्छा ठीक है सॉरी, क्यों मांगते हो? अच्छा ठीक है सॉरी भाई जान। तो पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि जरा अपने काम ठीक करें। तो ट्रैवल से रिलेटेड तीन बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। दो तीन मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि आपको जब भी कहीं पर भी कुछ विदेश में घटता है घटना, या फिर एयरपोर्ट पर कुछ घटना घटता है, तो मैं अपने चैनल पर लेकर आता हूँ ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि पहले से भी कोई भी प्रॉब्लम का अगर आपको पता चल जाए तो आप अपने आप को सुधार सकते हैं, आप ये चीज़ से बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो शॉर्ट वीडियो दिखाया आपने देखा, एक जो नकाब पहनकर भीख मांग रही थी, वो भी मक्का मदीना में, समझ सकते हो ये औरत जो थी वो पाकिस्तानी थी। यानी सऊदी और दुबई के अंदर इतना वो लोग महक गया है कि आप सोच नहीं सकते हो, हर जगह पे भीख मांग रहा। मक्का मदीना जैसा पवित्र जहाँ पे लोग मुस्लिम भाई लोग जाते हैं हज करने उमरा करने, वहाँ पे ये लेडी जाकर जो पाकिस्तानी लेडी है वो भीख मांग रही थी। तो इनके बारे में दो शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, पहला। दूसरा, आपने देखा कि किस तरह से दुबई से, ठीक है, लाइन में लगा कर देरा एक जगह है, दोस्तों जहाँ पे लाइन में लगाकर पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, यानी वापस उनको अपना कंट्री वापस भेज दिया जा रहा है। विजिट वीज़ा पे आके वो जाते नहीं, ओवर स्टे हो जाते हैं और यहाँ पे ही रहने लगते हैं, जबकि उनका वर्क वीज़ा भी बंद कर दिया है। यूएई गवर्नमेंट ने वर्क वीज़ा भी लेबर कैटेगरी का लगाना बंद कर दिया है, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ से यानी दुबई से डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तानियों को। और तीसरा जो सबसे अहम अपडेट है दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये दुबई एयरपोर्ट का जो न्यूज़ मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को, ठीक है, लगभग 10,000 से ऊपर एक हफ्ते के अंदर, जब से ये गवर्नमेंट ने नया नियम बनाया है, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि गवर्नमेंट ने खुद विजिट वीज़ा वाले जो आते हैं उनके लिए कुछ शर्त रखा है, और वो शर्त नहीं पूरा करने के वजह से, लेकिन 50% ज़्यादा इसमें पाकिस्तानी लोग फिर है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होता है और रिटर्न टिकट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ आपको लाजिम आपको कैश चाहिए, यानी 3,000 दिरहम, या फिर आप अपने एक्सचेंज में वो पैसे जोड़ लो जितना भी होता है कैश, या अपने बैंक अकाउंट में दिखाना होगा, और रिटर्न टिकट ओरिजिनल दिखाना होगा आपको, डमी टिकट नहीं, फेक वाला ये नहीं, आपको ओरिजिनल रिटर्न टिकट सेम एयरलाइंस का होना चाहिए। तो लगभग 5,000 से ज़्यादा आप पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया है एक हफ्ते के अंदर, और बाकी इंडिया बांग्लादेश नेपाल के लोगों को डिपोर्ट किया गया है। तो अगर आप विजिट वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे हो तो फिर से याद रखें, आपको अप एंड डाउन का सेम एयरलाइंस का रिटर्न टिकट होना चाहिए दुबई के लिए, और आपको कम से कम 3,000 दिरहम आपको एयरपोर्ट पर दिखाना होगा, नहीं तो आपको कैश मनी इंडियन मनी 60,000 रुपये, ये दो चीज़ आपको लाजिम होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है एयरपोर्ट पर, यह तीन चार चीज़ पूछा गया नहीं निकला, उनको वापस वो कंट्री भेज दिया गया, तो जाने से पहले ये चीज़ लाजिम कर लें।